हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़रा एक मज़े का भी होगा, थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट वाला भी टॉपिक है, क्योंकि पहले हम जरा थोड़ा बहुत कोडिंग का करते हैं और हम इतना ज़्यादा हमने कोई ग्राफिक्स में नहीं काम किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्प्राइट्स के ऊपर है। अभी हम जो भी देखा है, हमने जो भी गेम ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो क्या क्यूब है, स्फीयर है, ये सिलेंडर हो गया, ठीक, कैप्स्यूल हो गया, ये हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट्स होते थे। ठीक है, तो इसमें अभी मज़ा भी नहीं आता था कि बस ठंडे ठंडे से गेम ऑब्जेक्ट्स है, तो कोई इसमें मज़ा भी नहीं आता था। तो अब हम कुछ करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे, 2D इमेजेस, उन्हें स्प्राइट्स कहते हैं। स्प्राइट्स असल में 2D इमेजेस होती है, PNG JPG फॉर्म में होती हैं, जिस तरह कोई आम तो पिक्चर होती है कंप्यूटर की, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनके ऊपर कैसे हम गेम कॉम्पोनेंट्स वगैरह लगा सकते हैं। बहुत सिंपल और काफ़ी मेरे ख्याल से ब्रीफ ही होगा इसका लेक्चर, और ना कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड होना है, तो सिंपल सा है, इसको कैसे करते हैं हम आज चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास ये इमेजेस है कुछ, ये दो और ये एक तीसरी इमेज है। ठीक है, तो मैं ये इमेजेस पहले मैं चाहता हूँ मेरे गेम के अंदर आए, क्योंकि हमने देखा काफ़ी गेम्स के अंदर, जैसे फ्लैपी बर्ड हो गया, उसमें बर्ड होता है, एंग्री बर्ड में भी बर्ड होता है, काफ़ी गेम्स 2D गेम्स है उसके अंदर हमने करेक्टर्स देखे, तो उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो मेरी इमेजेस है इनको मैं किस में लेके आऊँगा, अपने प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, जैसे मैंने पहले साउंड्स वाला लेके आया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये तीन इमेजेस हैं इसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना आप। अच्छा, अब ये गेम, अब ये जो पिक्चर्स है ना हमारे पास जो आई हुई हैं, आपने कंफर्म करना है कि इनका जो टेक्सचर टाइप है ना वो स्प्राइट 2D एंड UI होना चाहिए। ठीक है, ये इनमें से कोई ना हो, नॉर्मल मैप, कर्सर, कुकी, ये कुछ भी ना हो, स्प्राइट 2D एंड UI। ठीक है, और इसको नीचे जाके आपने अप्लाई कर देना बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कुछ नए यूनिटी, कुछ यूनिटी के वर्जन में ये होगा कि ये बाय डिफॉल्ट ना आपके पास इस तरह होकर आएगी डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट वाली नहीं चलती इस तरह, आप में कौन सी चलेगी, स्प्राइट 2D UI, और उसको अप्लाई कर देना, तो ये आपके पास अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपको सारी इमेजेस, ये मेरे पास ये मार्स की है, ये वुमेन की है तस्वीर, इन सब में पहले सी इस पर हुआ है, स्प्राइट 2D हुई हुई है सेटिंग्स, लेकिन यूनिटी के कुछ वर्जन है उसमें, उनमें सेट नहीं होती, तो आपको वो सेट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब सिंपल है इसको करना, कुछ भी नहीं इसमें चेंजेस करनी, आपने सिंपल ये जो इमेज है इसको यहाँ आके आप ड्रैग कर दें, तो यहाँ भी गेम गेम के अंदर आ जाएगी, सिंपल इज दैट। अच्छा, अब आप इस गेम के अंदर आ गई ऑटोमेटिक, आप इसके साथ इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप छेड़ सकते हो, आप इसका स्केल भी छेड़ सकते हो। ठीक है, छोटा करना हो तो इस तरह छोटा कर लो, ठीक है, बड़ा करना है तो स्केल बड़ा कर लो इसका। अच्छा, आपने इसमें एक चीज़ देखा है, कंपोनेंट तो हमने सब में देखा है, ट्रांसफॉर्म वो कंपोनेंट तो होता है। ठीक है, एक नया कंपोनेंट आया वो है स्प्राइट रेंडर वाला। स्प्राइट रेंडर कंपोनेंट यही है कि जो स्प्राइट होगी ना वो डिस्प्ले करेगा, वो स्प्राइट रेंडर। अच्छा, अब ये स्प्राइट रेंडर के अंदर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जैसे ऑडियो सोर्स में सबसे पहले क्या होता था, एक ऑडियो हम क्लिप देते थे, इसी तरह स्प्राइट में सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ इमेज आएगी, इमेज वाली कौन सी, जो जो हमने यहाँ जिनको स्प्राइट 2D का नाम दिया है, ये वाली इमेजेस यहाँ हम ड्रैग करके लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरे पास काफ़ी इमेजेस, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी, मैं यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ या मैं डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं वापस अपनी उसी वाली इमेज में आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ कलर की ऑप्शन है, कलर आप मजीद उसका कोई एनहेंस करना चाहते हो थोड़े कलर को, तो आप थोड़ा इसको एनहेंस कर सकते हो, या कोई ब्राइटनेस कम करनी है, या किसी ने गायब करना तो उसका अल्फा कम कर दो तो इमेज गायब हो जाएगी, या हमने काफ़ी ना फोटोशॉप में भी देखा होगा, अगर किसी कलर का अल्फा कम कर दें तो वो गायब हो सकती है, या इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना है तो आप ये भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, अच्छा, फ्लिप एक्स और फ्लिप वाई क्या है, एक्स एक्सिस में अगर फ्लिप करना तो वो उल्टा हो जाएगा, एक्स एक्सिस में इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लिप हो जाएगा, वाई एक्सिस में करना है तो ये वाई एक्सिस में फ्लिप हो जाएगा, सिंपल प्रॉपर्टी है। मटेरियल ये जो इनका बाय डिफॉल्ट मटेरियल है, अगर कोई मटेरियल बनाना हो वो लगाना हो इसमें, तो वो भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मटेरियल में हम आएंगे तो उसका भी बताता हूँ मैं कैसे मटेरियल, अगर किसी गेम किसी 3D गेम ऑब्जेक्ट में मटेरियल लगाना है तो किस तरह लगा सकते हैं, 2D स्प्राइट्स में इतना वो इतना सूट नहीं करता। ठीक है, अच्छा, अब ये इसके नीचे ऑप्शन आ रही है, ड्रॉ मोड, सिंपल, स्लाइस्ड, या वो क्या कहते हैं, टाइल्ड, तो ये आप इसके जरिए सेटिंग्स भी आप छेड़ सकते हो उसकी, कोई भी अगर आपने टाइल्ड में रखना है, अगर इसकी विड्थ ज़्यादा कर दोगे तो जितनी इसकी विड्थ होगी ना उतनी इमेजेस उसमें सेट हो जाएगी, अगर मैंने इसकी 78 विड्थ की हुई है तो उतनी इमेजेस आ जाएगी, 20 विड्थ की है तो उस 20 की विड्थ के अंदर जितनी ये वाली इमेजेस आ सकती हैं वो आ सकती है, तो मैं इसका मोड, ड्रॉ मोड सिंपल ही रहने दूंगा। ठीक है, और इसका मैं स्केल दोबारा वापस ले आता हूँ इसी स्केल में, तो मैं ड्रॉ मोड इसका सिंपल ही रहने देना चाहिए। अच्छा, सॉर्टिंग ऑर्डर, ये सॉर्टिंग ऑर्डर लेयर्स होती है, सॉर्ट लेयर, ये भी मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है, बाकी आगे जो इसके कुछ पॉइंट्स है, जो इसकी सेटिंग्स वगैरह है, वो ये स्प्राइट का किस सेंटर में पिवट होना चाहिए, कि अगर राइट साइड में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, वो हम यहाँ से
इसकी प्रॉपर्टीज स्प्राइट रेंडर में क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे पिवट पॉइंट मिल जाता है टॉप लेफ्ट या टॉप राइट। ठीक है, अगर मैं टॉप राइट करता हूँ तो वो थोड़ा अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है अपने पिवट पॉइंट से। तो ये इतना कोई इतना उसका ज़रूरी नहीं है फीचर। ये कभी कहीं कहीं जाए गेम में आपको शायद ज़रूरत पड़ेगा अगर आपने कोई फ्लिपिंग वगैरह करनी हो, वरना आपके लिए फ्लिप एक्स और फ्लिप वाई यही काफ़ी वो ये सही तरह चल सकता है, आपके उसको कवर कर सकता है। अच्छा, अब स्प्राइट ऑर्डर लेयर की बात करते हैं। स्प्राइट ऑर्डर लेयर क्या है? सबसे पहले देखें, अगर मैं एक और स्प्राइट या ऑर्डर लेयर में आता हूँ, सबसे पहले अगर मैंने एक और स्प्राइट बनानी है तो मैं आपके सामने मैंने ये ड्रैग करके भी बना सकता हूँ, या मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर मैं स्प्राइट रेंडर का ये कंपोनेंट ऐड करके और उसके अंदर मैं अपनी पसंद की स्प्राइट ऐड भी कर सकता हूँ। ये भी तरीका आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने देखा हमारे पास दो स्प्राइट्स आ गई हैं, एक ये है और एक ये वाली स्प्राइट्स है। अच्छा, अब ये देखा ये वाली स्प्राइट इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो यहाँ कभी कभार इशू आ जाता है कि मेरी ये स्प्राइट है, मैं चाहता हूँ ये स्प्राइट ऊपर ना, ये नीचे वाली स्प्राइट ऊपर आनी चाहिए या ऊपर वाली नीचे आनी चाहिए। तो यहाँ काम होता है स्प्राइट ऑर्डर लेयर का। ठीक है, जिसका सबसे बड़ा ऑर्डर होगा उतना ही वो वाली स्प्राइट उतनी ऊपर नजर आएगी। इसका अगर हम फीचर देख लें, जैसे ये एक स्प्राइट है, अब मैं चाहता हूँ ये इसके ऊपर आए, तो इसका ऑर्डर कम से कम इसका ऑर्डर 1 होना चाहिए, इसका ऑर्डर 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर ऑर्डर लेना चाहता हूँ तो उससे बड़ा इसके अगर उससे ऊपर आनी चाहिए स्प्राइट, तो उसका ऑर्डर कम से कम 1 से बड़ा होना चाहिए, उसके ऑर्डर की वैल्यू 2 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर इस तरह देख लेते हैं। अगर जैसे मैं चाहता हूँ वो पीछे वाली लड़की है उसको आगे आना चाहिए, तो मैं उसको सॉर्टिंग ऑर्डर 1 कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं उसको पीछे वाली को आगे लाना चाहता हूँ, ये उसको पीछे वाली को आगे लाना चाहता हूँ, तो उसका सॉर्टिंग ऑर्डर इसके ऑर्डर से बड़ा होना चाहिए। जिसका अगर इसका ऑर्डर 1 है तो इसका ऑर्डर कम से कम आपको 2 या 2 से बड़ा भी रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का ये क्या, जिसका जिसका सबसे बड़ा हैवी नंबर होगा सॉर्टिंग ऑर्डर का, वो ही सबसे आगे होगा। ठीक है, और उसके बाद जो जो सॉर्टिंग ऑर्डर होंगे वो वाले आ सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये तो सिंपल है। ठीक है, बाकी तो हमें आगे सबको पता है कि हम इसके आगे ये कॉम्पोनेंट्स स्प्राइट एंटर का लगा सकते हैं। इसके साथ हम मूव, मैंने एक मूव के ऊपर स्क्रिप्ट हमने पहले भी बनाया हुआ पीछे लेक्चर्स में, तो वो भी हम इनके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये मैं मूव क्यूब वाला स्क्रिप्ट इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर मैंने लगा दिया। और सिंपल क्या होगा, ये गेम ऑब्जेक्ट मूव करेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये वो मूव करें वहां पर। सिंपल, आपके पास गेम ऑब्जेक्ट्स आपने पहले भी बनाए हुए हैं, क्यूब वगैरह कैप्सूल, तो आपने उस स्क्रिप्ट को सब में लगाया हुआ। इसमें जो नई चीज़ है वो आपके पास स्प्राइट रेंडर है, नया चीज़। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा कि मैं चाहता समझा कि मैं कहता हूँ ये वाला रखता हूँ सिर्फ। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये 2 सेकंड बाद ना ये इमेज चेंज होके ना ये वाली इमेज बन जाए, या चले दूसरी इमेज बन जाए ये वाली। ठीक है, तो मैं वो वाली भी रख सकता हूँ, वो वाली इमेज मैं चेंज कर सकता हूँ थ्रू स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के जरिए कैसे, हमने एक सब पीछे से लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका कंपोनेंट गेट करने का, गेट कंपोनेंट। तो मुझे कौन सा कंपोनेंट गेट करना पड़ेगा, स्प्राइट रेंडर। जैसे मैंने पीछे ऑडियो सोर्स का भी कंपोनेंट गेट किया हुआ था, तो स्प्राइट में जाके मैं कौन ये स्प्राइट को चेंज कर सकता हूँ, इसमें कोई भी स्प्राइट की वैल्यू वो दे सकता हूँ पिक्चर। ठीक है, तो इसको चेंज करने का क्या तरीका है, सबसे पहले मूव क्यूब मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, ये मेरा पहले का कोड हुआ है, इसमें इसको हम यहाँ रिमूव करते हैं। अच्छा, ठीक है, एक हम कोरूटीन ही बना लेते हैं, जैसे हम पहले भी बनाया था लेक्चर में, आई चेंज स्प्राइट। ठीक है, ये क्या करें, 2 सेकंड वेट करें और इसके बाद स्प्राइट चेंज कर दें। ठीक है, अच्छा, स्प्राइट कैसे चेंज करेंगे, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं हमें कौन सा कंपोनेंट इस गेम ऑब्जेक्ट का गेट करना पड़ेगा, स्प्राइट रेंडर। तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं, अच्छा ये पिछले के कुछ एरर्स हैं, ये रिमूव कर दूं यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले मुझे इधर इसके अंदर गेम इस गेम ऑब्जेक्ट का स्प्राइट रेंडर गेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा स्प्राइट रेंडर गेट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले फिर इसका इसमें गेम ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसी का ही दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रिप्ट लगा हुआ है। ठीक है, दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट कॉम्पोनेंट, इसको नीचे रख ले। ठीक है, कॉम्पोनेंट कौन सा गेट करना है, स्प्राइट रेंडर, क्योंकि इधर स्प्राइट रेंडर ही है हमारे पास। ठीक है, अच्छा स्प्राइट रेंडर, ये हमारे पास कंपोनेंट गेट हो गया डॉट।
अब मैंने इसकी कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ से मैं फ्लिप फ्लिप एक्स फ्लिप करूँगा, फ्लिप एक्स की वैल्यू भी गेट हो सकती है मेरे पास। अगर मैं डॉट फ्लिप एक्स लिखूँ इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा तो ये ट्रू फ्लिप एक्स को कर देगा। लेकिन मैंने अभी मेरा कौन सा कंसर्न है, मेरा कंसर्न है ये स्प्राइट की वैल्यू चेंज करूँ, इसका मतलब स्प्राइट रेंडर का डॉट स्प्राइट, स्प्राइट को चेंज करना डॉट स्प्राइट, ठीक है। अच्छा, अब स्प्राइट के लिए कौन सी डाटा टाइप चाहिए, उसको स्प्राइट ही चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मैंने पिछले गेम पिछले लेक्चर में ऑडियो क्लिप चेंज करने के लिए उसकी टाइप क्या थी पब्लिक करके मैंने ऑडियो क्लिप को लिया था, इसी में मैं स्प्राइट को लूंगा, स्प्राइट खाली स्प्राइट इमेज कर लेता हूँ, उसका नाम ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको जो भी इसकी स्प्राइट होगी वो मैं जो भी इसकी स्प्राइट जो नई स्प्राइट होगी उसको मैंने इमेज का ये दे दिया जिसकी डाटा टाइप स्प्राइट है। अच्छा, ये मैं अब इसके अंदर इमेज कैसे पास करूँ, मुझे पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको पब्लिक कर दिया, अब पब्लिक करूंगा तो बाहर मेरे पास मूव क्यूब में एक्सेस आएगी, अभी लोड होगा, ठीक है। अब ये मूव क्यूब, अब इसके अंदर मैं कोई भी स्प्राइट डाल सकता हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्ट करके जितनी मेरे पास स्प्राइट्स पड़ी है मैं वो भी डाल सकता हूँ, या कोई ड्रैग करके, मैंने ये वाली वूमन की ड्रैग कर दी, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, मेरा मूव क्यूब है, इसके अंदर मैंने एक अपनी स्प्राइट दी हुई है जिसका नाम इमेज है, और इसके अंदर वूमन का एक आया हुआ वूमन वाली इमेज, ये वाली अंदर आई हुई है इमेज, ठीक है। अब मैंने फिर क्या किया, इसको मैंने एक कोरूटीन है, कोरूटीन बनाइए चेंज स्प्राइट की जो 2 सेकंड वेट करेगी, फिर उसके बाद इसी गेम ऑब्जेक्ट का स्प्राइट रेंडर ला के डॉट स्प्राइट इक्वल्स टू इमेज से हम उसके अंदर मैं अपना ये वाली इमेज वाली स्प्राइट दे दूंगा जो मैंने पास की है। तो अब मुझे इसको कोरूटीन को चलाना होगा, ये मैं ऑल स्टार्ट कोरूटीन चेंज स्प्राइट, ठीक है। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, 2 सेकंड बाद इमेज इसकी जो गर्ल है इसकी इमेज चेंज हो जाएगी, प्ले करता हूँ, एक और ये दो सेकंड बाद उसकी इमेज आप देखा यहाँ भी चेंज होगी। तो इस तरह हम गेट कंपोनेंट से इसकी स्प्राइट की इमेज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये कि हम इसको एक स्केलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये चेक किया कि अगर ये स्प्राइट है मेरी पीछे है, अगर मैं 4-5 स्प्राइट्स लगा दूँ यहाँ, तो मैं चाहता हूँ जो सबसे ये नीचे वाली ये गर्ल है सब ये उस गर्ल से ऊपर हो, तो मैं क्या करूँगा, इस गर्ल का स्प्राइट ऑर्डर लेयर 1 है, तो इसका मतलब इस गर्ल की लेयर की ऑर्डर को 2 कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये अर्थ भी आगे आ जाए इसके, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ ये अर्थ है पीछे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इस अर्थ को आगे लाना चाहता हूँ तो मुझे किस इन दोनों के स्प्राइट ऑर्डर से ऊपर जाना पड़ेगा, जैसे इस गर्ल का स्प्राइट ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, तो इसका क्या होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए या ग्रेटर देन 3, तब ये इन दोनों के स्प्राइट्स के आगे आ सकता है, ठीक है। और अगर मैंने पीछे लेके जाना है तो इनसे सबसे पीछे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम इस तरह इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने एक तो ये स्प्राइट ऑर्डर देख लिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, बस क्या स्प्राइट रेंडर का एक इवेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है, उसको आपके अंदर उसके अंदर आपने स्प्राइट को ऐड कर देना होता है सिर्फ, और क्या कहते हैं, और उसके बाद आपने किसी की स्प्राइट चेंज करनी है तो उसके अंदर स्प्राइट का आप कोई वेरिएबल लेके अपनी इमेज को ड्रैग करके तो इस कंपोनेंट को स्प्राइट एंट्री को गेट करके डॉट स्प्राइट से आप उसे चेंज कर सकते हो। ये मैं कोड ड्राइव में भी शेयर कर दूंगा। और अच्छा, अब मटेरियल, अब हमने कोई 3D क्यूब वगैरह देखे थे इधर, ये वैसे 2D सीन है, शायद इसमें ना आए, लेकिन 3D सीन में उसका पूरा टेक्सचर आता है, जैसे ये अगर इन केस जो 2D और 3D में फ़र्क है वो एक होती है डायरेक्शन लाइट, यहाँ आप लाइट में जाएंगे, डायरेक्शन लाइट क्या होती है, जैसे अर्थ में एक सूरज होता है ना, ठीक है, सूरज हमें एक हमारा सोर्स ऑफ लाइट है ना, तो इसी तरह गेम अगर किसी सीन के अंदर आपने 3D सीन के अंदर लाइट डालनी ना तो आप डायरेक्शन लाइट डालेंगे। डायरेक्शन लाइट डालने का तरीका ये कि आप क्रिएट में जाए, लाइट में जाए और डायरेक्शन लाइट, ठीक है। डायरेक्शन लाइट से क्या होगा, जो 3D ऑब्जेक्ट्स हो गए ना, 2D नहीं 3D ऑब्जेक्ट्स, बाय डिफॉल्ट जो आप 3D ऑब्जेक्ट गेम सीन बनाते हैं उसमें ऑटोमेटिक गेम ऑब्जेक्ट्स और वो डायरेक्शन लाइट आपको सीन के अंदर मिल जाती है, लेकिन 2D गेम्स में हम लाइट्स ये 3D वाली इस्तेमाल नहीं करते डायरेक्शन लाइट। तो अगर आपने फिर भी डालनी है तो आपको ये कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ डायरेक्शन लाइट में जाके आप लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं कि उसके सोर्स का लाइट का कैसा हो, अगर आपने लाइट बढ़ानी है तो उसको आप कलर ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं उसकी इंटेंसिटी से, अगर कम करनी है तो आप उसको कम कर दें, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है, ठीक है। बाकी इसके और चीज़ें लेकिन जो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मेरा ये जो क्यूब है, अगर मैं सीन में जाऊँ उसको 3D कर देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ इसका हमने अभी जितना भी किया ये कलर इसका फिक्स ही रहा है वाइट कलर, तो
तो हम चाहते हैं इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसका हम क्या बना सकते हैं, एक मटेरियल बना सकते हैं। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल एक ऐसा होगा जो आप किसी भी 3D गेम ऑब्जेक्ट में दोगे तो वह उसका मटेरियल चेंज कर देता है। मटेरियल बनाने का तरीका सिंपल है, क्रिएट में गए और यहाँ मटेरियल की ऑप्शन आ रही होगी आपके पास, मटेरियल न्यू मटेरियल आ रहा है, आप इसका नाम कोई भी दे दें, मैं इसको ले देता हूँ रेड मैट, ठीक है रेड मटेरियल दे दी। अब इसके अंदर अल्बेडो के साथ ना आपके पास यहाँ कलर की ऑप्शन आ रही होती है, आप कोई भी कलर दे दो, मैं जैसे इसको मैं रेड देना चाहता हूँ, तो ये रेड दे के मैं यहाँ आके इस पर ट्रैक कर दूंगा, तो इस 3D ऑब्जेक्ट का जो हम क्यूब वगैरह बना रहे थे उसका कलर भी चेंज हम कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये सिंपल है वो है इसको चेंज करने का तरीका है। मटेरियल जो एडवांस होता है इसमें शेडर्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी एडवांस टॉपिक है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बेसिक अगर आपने किसी क्यूब 3D ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है तो वो हम इस तरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका एक चाइल्ड बना दूँ क्यूब, एक और नया मटेरियल, इसका जो चाइल्ड है इसको मैं इसको थोड़ा, अब मैं चाहता हूँ इसके चाइल्ड का कलर चेंज हो, तो मैं एक और नया मटेरियल बनाऊंगा, क्रिएट मटेरियल, ठीक है इसको मैं ग्रीन मैट कह देता हूँ, ठीक है इसका मैं कलर ग्रीन चेंज करूँगा, ठीक है, और इसी मटेरियल को ड्रैग करके उस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दूंगा तो वो चेंज हो सकता है। ये लेकिन सिर्फ 3D गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हो सकता है, 2D गेम ऑब्जेक्ट्स का भी हमने पढ़ा है कि उनमें ये स्प्राइट्स होती है, स्प्राइट्स रेंडर का कंपोनेंट लगता है, और उसके बाद आप जो मर्जी उस गेम ऑब्जेक्ट, वो एज अ गेम ऑब्जेक्ट ही होता है, उसके बाद आप स्क्रिप्ट वगैरह जो मर्जी टैग वगैरह देना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ये इसके जरिए ये क्या आप थोड़ा बहुत गेम अपनी गेम में एक तरह का डेकोरेशन भी कर सकते हैं, कुछ एक तरह का गेमीफाई फॉर्म में होगा कि आप आराम से इसको कुछ दिखाने लायक होगा। पहले तो क्या था वो क्यूब वगैरह होते थे, तो ये क्या आप इसको थोड़ा इसका पंगे वगैरह करें तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। थैंक यू।